ये है जनमत की पुकार। पार्टी के साथ विध्वंसकारी पार्टी और उसके साथ साथ मिल गई कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी का भी सुन लो, धारा 370 हटाया मोदी जी ने कि नहीं हटाया, कश्मीर को मजबूती दी कि नहीं दी, तो राहुल गांधी ने क्या कहा, गलत हुआ है, ये वापस होना चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था। और उसकी दलील को इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में रख रहा है। ये हमारे अपने शशि थरूर पाकिस्तान के मंच पर भारत को गाली देते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, राहुल गांधी पाकिस्तान की टपली बजाते हैं, जबकि कोविड में दुनिया मोदी जी को शाबाशी दे रही है तो राहुल गांधी टपली बजा रहे हैं पाकिस्तान की। अरे मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करना बंद करो। ये मणिशंकर है, ये जाकर के बोलता है कि मोदी जी की सरकार पटाओ, किसको जाके बोलता है, पाकिस्तान को बोलता है। मित्रों, जो इस तरीके से गैर राष्ट्रवादी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब प्रजातंत्र में वोट ना दे करके किया जाता है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और हमको वोट उनको करना है जो देश को आगे ले जाए, जो प्रदेश को आगे ले जाए। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आपसे सिर्फ निवेदन करने आया हूँ, बहुत देर से आप सब रुके हुए हैं, मुझे बताया गया 12 बजे आ गए थे, हम लोग देर से आए, इसके लिए क्षमा, लेकिन आपने हमारी बात सुनी है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मित्रों, बिहार बड़े मुश्किल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, और ये भी सुन लीजिए कि नीतीश कुमार जी जीत के आए थे, लालू जी के साथ सरकार बनाई थी, क्यों तोड़ी सरकार, इसलिए तोड़ी सरकार क्योंकि राजद का, आरजेडी का जो कैरेक्टर था अराजकता का, वो बदला नहीं था, उनके साथ वो काम नहीं कर सकते थे, करते तो बिहार आगे नहीं बढ़ता, पीछे हटता, जब हमारे साथ आए तो 3 साल में फिर से बिहार आगे चल पड़ा है, इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत मुश्किल से बिहार, आप बिहार के बच्चे, आपसे आशा करें, आप बताइए कोचिंग सेंटर के लिए कोटा जाना पड़े, बिहार में पढ़ाने वालों की कमी है क्या, मैं यहां से पढ़ा हूं, रविशंकर प्रसाद यहां से पढ़े हैं, हम लोग हमारे कितने आईएएस आईपीएस यहां से निकले हैं, बिहार सबको लीड करता रहा है और बिहार बाहर जाए, ये इसलिए हुआ है क्योंकि लालू जी ने अपना यूएसपी बना लिया था लोगों को यहां से भेजने का। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से बिहार में हमको आर्थिक प्रगति लानी है, आर्थिक विकास लाना है, तो हमारे को एनडीए के लोगों को, फिर चाहे वो हम पार्टी का कैंडिडेट है, फिर चाहे वो हमारे जदयू का कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, चाहे वो वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट है, सबको जिताना है और जिता करके बिहार के लिए एक नई विकास की कहानी लिखनी है, इसके लिए हमको काम करना है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो मोदी जी की इज्जत करते हैं, हम तो मोदी जी के साथ चलने वाले हैं। देखिए एनडीए में 4 लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, वीआईपी और हम पार्टी, यही एनडीए है और इसी को जिताना है और इसी को सामने रख करके चलना है, ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मित्रों, भ्रम में मत आइएगा, लोग राजनीति में षड्यंत्र भी करते हैं, हमको उससे बचना पड़ेगा और हमको अपनी एकजुटता रखते हुए एक साथ चल करके नए बिहार को बनाने में अपना योगदान करना पड़ेगा। बोलिए करेंगे ना, सबको जिताएंगे ना, चारों पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे ना। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, इतनी रात गए भी आपने हमें बात को सुनने का प्रयास किया है और आप बैठे रहे अपनी जगह पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी, फिर आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा। बहुत बहुत, चाहे यहाँ का भट्टा बाजार हो, चाहे यहाँ का गुलाब बाग हो, चाहे बनमनखी हो, चाहे बाकी सारे क्षेत्र हो, कितनी बार घुमाऊ, बीच में एक और समय आया, याद है ना, कि गुलाब बाग की जागृत बाजार से लोग भागने लगे। जब मैं पटना हाईकोर्ट का वकील था, कितने व्यापारी रोते हुए आते थे कि रवि जी कुछ करिए, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। जब पूर्णिया आता था, लोग डरे हुए सहमे हुए रहते थे। इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल उनके पुत्र आप घूम रहे हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे, लेकिन नए बिहार में उनका जो पोस्टर छपता है उसमें ना माता जी की फोटो है ना पिताजी की फोटो है। 7.5 साल पिताजी, 7.5 साल माताजी, इतना शर्मिंदगी क्यों है भाई माताजी और पिताजी की फोटो से,
सीधा सवाल है, माता जी और पिताजी की फोटो आएगी तो गुलाब बाग का अपहरण भी आएगा, भट्टा बाजार की फिरौती भी आएगी, बरमंथी की लूट भी आएगी। जब से हम हेलीकॉप्टर से उतरे हैं तब से मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, इधर भी चल रहा है बहुत, उधर भी चल रहा है। ईमानदारी से बताइए तो लालू जी के राज में मोबाइल लेके घूम सकते थे? देखिए, देख लीजिए, हम कुछ नहीं बोल रहे, मोबाइल देखा ला और छिनाया है ना। अब देखिए तो, अब जरा बताइए तो पूर्णिया के इस मैदान में इतना लोग हम लोग की फोटो खींच रहे हैं, कितना लोग फेसबुक पर हो, जरा हाथ उठाओ तो देखो। संतोष बाबू देखो आपके क्षेत्र में, देखिए क्या बात है, मैं देश का कानून मंत्री नहीं हूं, देश का आईटी मंत्री भी हूं, पूर्णिया के नौजवानों के लिए ताली बजाता हूं, बहुत बढ़िया। एनडीए की सरकार में करने का काम करेंगे और मैंने संकल्प भी लिया है कि पूर्णिया को जल जमाव से देगा। और यहाँ पर खेल और खिलाड़ी के लिए स्पोर्ट्स एक्सेलेंस सेंटर का भी निर्माण होगा। और मैं कानून मंत्री जी से आग्रह करूंगा, जब हमारी सरकार बनेगी तो पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच मंत्री हैं अश्विनी चौबे जी हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, मैं उनसे भी। ये है जनमत की पुकार।